गुड मॉर्निंग। अभी हम सो के उठे हैं और रात को बहुत ज़्यादा मसला हो गया था हम लोगों को। पता तो था कि बारिश होगी, मगर प्रिडिक्शन से ज़्यादा बारिश हो गई, और इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि टेंट के अंदर आ गई थी। पानी अंदर आना, ड्रिप होना शुरू हो गया था, जिससे कि आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा इधर। तो रात को काफ़ी प्रॉब्लम हुई एक आध घंटे के लिए। वैसे तो पूरा टाइम तो नहीं हुई, मगर आवाज़ बहुत आ रही थी, जैसे कि अभी आपने वीडियो में सुनी, शुरू स्टार्टिंग वीडियो में जो आवाज़ आ रही थी बारिश की, तो वो पूरा टाइम आ रही थी। हम लोग 11:30 बजे फ्री हो गए थे, और हमने उसके बाद सोचा था कि अब हमें सो जाना चाहिए। 11:30 बजे जब हम टेंट में आके अपने आराम से सुकून से लेट गए थे, तो 12 बजे बारिश शुरू हुई, और आस्ते 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 वो इतनी तेज़ हो गई कि हम थोड़ा सा परेशान हो गए कि हमें ये सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। खैर, रात निकल गई, अब सुबह हो गई है, और आज का दिन देखते हैं कैसा गुजरेगा। अभी हमने वेदर का फोरकास्ट चेक किया है, उसमें तो नहीं दिखा रहा बारिश, थोड़ी देर के लिए होगी, रेन शावर होगी, बट यू नेवर नो कि कब वो चेंज हो जाए। तो देखते हैं आज का दिन कैसा गुजर सकता है। ये टार्प डाला हमने इसके ऊपर, तो जिसकी वजह से हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सिवाय एक कि वो रात को थोड़ा बारिश ज़्यादा होने की वजह से ये ऊपर हो गया था, तो वह वहाँ से पानी आ रहा था। अदरवाइज़ इसने इतनी हेल्प करी है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और बहुत अच्छे से पूरा टाइम गुजर गया। मगर हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पैनिक हुए। अदरवाइज़ इस टार्प ने जो हेल्प करी है ना, वो माइंड ब्लोइंग है। आप लोग जब भी कैंपिंग पे जाएं, और अगर आपको वेदर के फोरकास्ट में नज़र आए कि बारिश या रेन शावर का चांस है, तो ये टार्प ज़रूर ले लें। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा आराम से, कैनेडियन टायर वगैरह से भी मिल सकता है ये, और ये आप टेंट के ऊपर डाल लें तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। हमने इसको बांधा नहीं, इसको वैसे रस्सियों से बांध सकते थे हम लोग दरख से, तो वो और स्टेबिलिटी आ जाती, मगर इस तरह भी हमारा काम हो गया, हमने सर्वाइव कर गए। और दूसरे टेंट पर भी हमने ऐसे ही डाला हुआ था, ये देखें, इससे पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं आया, सिवाय रात को बस वो थोड़ी सी जो लीकेज हुई थी, वो भी मैंने रात को ही जाके फिक्स कर ली थी, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। नाश्ते की तैयारी हो रही है, और गैस करें कि कुक कौन है। जी बिल्कुल सही गैस किया आपने, मैं और मैं बना रहा हूँ टर्किश ब्रेकफास्ट, जिसका नाम है मैंने मैं। अच्छा भाई, हम लोग बना रहे हैं बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं बना रहा हूँ, शूज उतार के फिर अंदर पाऊँ, रुको मैं आपको बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ बना रहे हैं, तो ये दुनिया का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट बनने वाला है। तो अब इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर हम लोग ग्रीन चिली डालते हैं, टमाटर डालते हैं, और ब्लैक पेपर डाला मैंने इसमें, सॉल्ट डाल दिया, और अब मैं डाल रहा हूँ इसमें चीज़, थोड़ी सी बचा लें ताकि ऊपर टॉपिंग करने के काम आए। इतना खूबसूरत लग रहा है, ये देखें इसका कलर और कॉम्बिनेशन देखें, बहुत ज़बरदस्त है, और ये बहुत ही टेस्टी होने वाला है। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, ये देखें आप, ये अपने फाइनल टचेस में है, और ये बस हम इसको चूल्हा बंद कर दिया है, और ये सेल्फ कुकिंग मोड पे लगा दिया मैंने इसको। उसे का आ जाओ वो भी। उसके बाद फिर मेरी नींद उड़ गई।
मैं भाई ये क्या हो रहा है सब। आई थिंक हम लोग बीच पे पहुंच गए और ये हाँ नियर बाय है और ये ट्रेल बहुत लंबा था और ये विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर ओपन डेली इट्स क्लोज्ड एंड इट्स क्लोज ओके। अब ये तो बहुत ज़बरदस्त पार्क है, यहाँ तो हम लोग डायरेक्ट गाड़ी से भी आ सकते थे। ओके ये है ना प्रॉपर बीच, रिमेंबर टू क्लीन गाइस। फाइनली वी आर हियर ऑन द बीच। सो नो अल्कोहल एंड नो डॉग्स। ये एरिया जो है इसके अंदर बच्चों के झूले भी हैं और यहाँ पिकनिक करने का एरिया है और पीछे बीच है, तो ये डे यूज़ के लिए भी है ये पार्क। और जैसे कि आप गाड़ी यहाँ पे कार पार्क करेंगे और इधर आके आप पिकनिक कर सकते हैं अपनी, और पीछे बीच है, तो ये एरिया डे यूज़ के लिए भी है और जो कैंपिंग कर रहे हैं वो भी इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। वो तो किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, मगर जो डे यूज़ के लिए आए उनका उसकी टाइम लिमिट है और उनको आई थिंक 7 या 8 बजे तक जाना होता है वापस। है जॉली रेंचर और ये है बनाना फज और ये वाली इसका नाम नहीं पता मुझे, फ्रूलाइंस एंड क्रीम, फ्रूलाइंस एंड क्रीम चॉकलेट फज एंड दिस इज द वन चॉकलेट ब्राउनी फज व्हाटएवर और ये है लास्ट वन चॉकलेट ब्राउनी फज व्हाटएवर। अच्छा जिस ट्रेल के ऊपर हम लोग होके आए हैं वो ट्रेल काफ़ी लंबी थी, वो बीच तक भी गई और बीच से आगे भी गए, हम लोगों ने वहाँ पे भी काफ़ी फ़न किया और वहाँ पर काफ़ी इन्जॉय करा। उसके बाद हम लोग अभी वापस हाइकिंग करते करते वापस आए, रास्ते में मैंने आइसक्रीम भी खाई और अब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा ना फ्रेश होने की ज़रूरत है, तो मैं ये शावर लेने आया हूँ और शावर लेने के बाद ऑब्वियसली काफ़ी रिफ्रेशिंग फीलिंग आएगी तो और इन्जॉय करने का मौका मिलेगा। उसके बाद हमें अपने लंच और डिनर करना है, लंच और डिनर मिक्स करके ऑब्वियसली हो जाएगा वो कुछ, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे और अगर हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया पकाना वगैरह तो 3-4 बजे 4 बज जाएंगे खाना खाते खाते, तो 4 बजे तक हम लोग अपना लंच करेंगे, वो हमारा डिनर भी होगा। ओके तो चलें, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो ये डोर लॉक हो गया, कुछ मैं बॉडी वॉश और शैम्पू लेके आया हूँ अपने साथ, ये टॉवल हैंग हो गया, कपड़े आप ऊपर रख सकते हैं, कपड़े इधर आ गए। अब हम करेंगे नहाने की तैयारी, ये है शॉवर। थैंक यू। तो हमें यहाँ से वुड लेनी है और ये वुड की थालियाँ रखी हैं, तो हमने पैसे पे कर दिए हैं, अब 2 थालियाँ उठा लेंगे हम यहाँ से। हमारा टेंट लगा हुआ है और ये सुलेमान फायर लगा रहा है। और आप लोगों के लिए एक सवाल है, यहाँ पे ये एक फ्रूट लगा हुआ है, तो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा फ्रूट है, देखते हैं किसका जवाब सही होगा।
आपको मैंने क्लोजअप में भी दिखा दिया। तो ये आपको बताना है कि एक फ्रूट का नाम क्या है और ये कौन सा फ्रूट है, कमेंट करके अभी बताइए। हमारे बारबेक्यू की बोटियाँ रेडी हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं इनके ऊपर मसाला वगैरह ज़बरदस्त किस्म का लगा हुआ है, और साइड में ये सीख है जो खाली हैं इसके ऊपर लगेगा कबाब, और कबाब का ये कीमा है ये अभी लगाना बाकी है। पहले हम इसको कर लें उसके बाद फिर हम कबाब को रेडी करेंगे। गाइस ये जो बन रहे हैं ना ये हैं अदना कबाब, ये शीश कबाब नहीं है ना ये सीख कबाब है, ये है अदना कबाब ऑल द वे फ्रॉम टर्की, और हम इसके साथ खाने वाले हैं टर्किश राइस, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और बोटियाँ जो बनाई थी हमने वो चिकन टिक्का, इसको इधर कर लेते हैं। ओके ये हैं अदना कबाब और टर्किश राइस, और ये देखें सुलेमान अभी फ्रेश एकदम लेके आया है कबाब, ये रखा है इधर। हमने बड़ी मेहनत करी है, मैं शावर लेके आया था वो बड़ा फ्रेश था, और मैंने सोचा नहीं था कि बारबेक्यू करते हुए हम लोग भी बारबेक्यू हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि अब फिर से नहाना पड़ेगा, मगर पहले खाना एंजॉय कर ले उसके बाद सोचते हैं। ये है हमारी सैलेड और ये है हमारे ग्रिल किए हुए वेजी, ये है टिक्का बोटी जो कि अभी तक बहुत गर्म है एल्युमिनियम फॉइल में रखने की वजह से, अदना कबाब विद टर्किश राइस। ये देखें हम आपको एक नई चीज़ दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी मगर फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और आप देखिए इसके अंदर कुछ हलचल हो रही है, नॉक नॉक। पॉपकॉर्न ऑन द फायर, यार इतने सारे पॉपकॉर्न ये तो धोखा है, ये तो धोखा है। क्वालिटी देखो, क्वालिटी भी अच्छी है। अच्छा क्वांटिटी पे और ना करें, क्वालिटी पे देखें। हम लोगों ने लंच काफ़ी लेट किया था जो कि डिनर के बहुत करीब था, और अब जब डिनर का टाइम हुआ है तो हम अब खाना तो नहीं खा सकते क्योंकि हम ऑलरेडी फुल हैं, मगर हम लोगों ने सोचा कि हम ना क्यों ना कुछ हल्का पांच कर लें। हल्के पांच के अंदर हम लोगों ने मैगी बना रहे हैं, बेसिकली इट्स इंदूमी और ये नूडल्स की तरह ही होती है, और अब हम इसको बना के यही खाएंगे। और किचन में आप लोगों को एक दफ़ा और दिखा दूँ, ये देखें किचन का हमारा जो सेटअप है ये पूरा प्रॉपर किचन है, इधर चूल्हा है, इधर सिंक है जो कि अभी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, और यहाँ पे काफ़ी स्टोरेज की जगह है इधर इस किचन में, और आप अपने मसाले और कप्स वगैरह यहाँ हैंग कर सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे वॉश बेसिन है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें इधर वॉश बेसिन भी है, इसमें वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसकी और भी फिटिंग्स आती हैं साथ में जो कि नीचे से अटैच होती हैं, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ एक हैंड शावर भी आता है, तो आप बर्तन वगैरह को अगर आपको वॉश करना है तो वो वॉश भी कर सकते हैं, और इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। हमारी इंदूमी ऑलमोस्ट रेडी है और फिर हम इसको एंजॉय करेंगे। दिन भर की मेहनत करके थक हार के अब हम लोग यहाँ बैठ के चिल कर रहे हैं, और साथ में बना रहे हैं चाय, वो भी दूध पत्ती। ये देखें दूध पत्ती रेडी है हमारी, और चाय का कलर ही बता रहा है कि उसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त होगा, और ये देखें जायका आपको
फील हो रहा होगा इस वक्त कि ये चाय कोलों पे बन रही है और दूध पत्ती, हमारे कप्स भी रेडी हैं। तो ये था आज का दिन, आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आया होगा। और इसी कैंपिंग का थर्ड और लास्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।